गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ आई स्टार्ट चैप्टर नंबर 3 क्लास 6 इंग्लिश रीडर। चैप्टर नेम इज सिंगिंग ग्रासेस एंड टार्जन वाइन्स। रीड दिस एक्सर्प्ट फ्रॉम आसा नेहेमियाज द मिस्ट्री ऑफ द सेक्रेट हेयर ऑयल फार्मूला। एक्सर्प्ट मीन्स होता है पार्ट ऑफ स्टोरी, स्मॉल पार्ट ऑफ स्टोरी, एक मतलब कहानी का छोटा सा भाग, जो किसने लिखा है, आसा नेहेमियाज ने, आसा नेहेमियाज के द्वारा लिखा गया। और इसमें क्या है, द मिस्ट्री ऑफ द सेक्रेट हेयर ऑयल फार्मूला, एक रहस्य बताया गया है हेयर ऑयल फार्मूला के बारे में, मतलब एक हेयर ऑयल है उसके बारे में, वो कैसे बनाया गया उसका रहस्य बताया गया है। मोर देन अ ईयर एगो, कुछ लगभग एक साल पहले, मालू पट्टी पाती डिस्कवर्ड अ सेक्रेट फार्मूला फॉर मेकिंग हेयर ऑयल दैट कुड मेक हेयर ग्रो इवन ऑन बॉल्ड हेड्स। जो पाती वर्ड यहाँ लिखा गया है, ये ग्रैंड मदर के लिए यूज़ होता है, ये साउथ इंडियन वर्ड हैं, ठीक है, तमिल वर्ड है। मीन्स मालू पाती डिस्कवर्ड, जो मालू पाती हैं उन्होंने खोज की अ सेक्रेट फार्मूला फॉर मेकिंग हेयर ऑयल दैट कुड मेक हेयर ग्रो इवन एन बाल्ड हेड। मीन्स जिनके सर में बाल नहीं हैं वो भी बाल उगा देते हैं, ऐसे ऑयल की उन्होंने खोज की, ऐसे फार्मूला हेयर ऑयल फार्मूला बनाया। सी मेड सम चेंजेस टू द फार्मूला एंड केम अप विथ अ मोस्ट वंडरफुल एंड अमेजिंग हेयर ऑयल। उन्होंने अपने फार्मूले में कुछ परिवर्तन किया, चेंज किया, एंड कम अप विथ अ मोस्ट वंडरफुल एंड अमेजिंग हेयर ऑयल, और एक बहुत अच्छा सा, बहुत हैरान कर देने वाला अच्छा सा ऑयल बनाया, हेयर ऑयल बनाया। विच पाती नेम्ड वंडर ग्रो सुपरसोनिक हेयर टॉनिक, जिसका नाम पाती जो है उन्होंने वंडर ग्रो सुपरसोनिक हेयर नाम रखा उसका। नाउ सी इज इन्वाइटेड टू प्रेजेंट हर फार्मूला एट द वर्ल्ड हर्बोलॉजिस्ट कॉन्फ्रेंस बींग हेल्ड एट द मौना बाबा हर्बल रिसर्च लेबोरेटरी इन मौनाश्रमपुर। और क्या किया उन्होंने, नाउ अब सी इज इन्वाइटेड टू प्रेजेंट हर फार्मूला, उन्होंने इन्वाइट किया है, सी इज इन्वाइटेड टू प्रेजेंट हर फार्मूला, अपना फार्मूला जो है वहाँ प्रस्तुत करेंगे एट द वर्ल्ड हर्बोलॉजिस्ट कॉन्फ्रेंस। एक वर्ल्ड हर्बोलॉजिस्ट कॉन्फ्रेंस की गई है जिस पे उन्हें इन्वाइट किया गया है, और वहाँ वो लोग क्या करेंगे, हेल्ड एट द मौना बाबा हर्बल रिसर्च लेबोरेटरी इन मौनाश्रमपुर। मौनाश्रमपुर में जो हर्बल रिसर्च लेबोरेटरी है वहाँ पे कॉन्फ्रेंस में वो जो अपना फार्मूला बनाए हैं उसे प्रस्तुत करेंगे, उसे दिखाएंगी। वन हैज़ टू ट्रेवल टू द कशमकस रिवर, सॉरी, हाउ एवर अंडरटेकिंग अ ट्रिप टू दिस प्लेस इज़ नॉट इजी। मतलब जहाँ की उनकी यात्रा है ये मौनाश्रमपुर, यद्यपि वहाँ का ये यात्रा करना सरल नहीं है, फिर भी वन हैज़ टू ट्रेवल टू कशमकस रिवर, कोई भी इंसान जो कशमकस रिवर की यात्रा करता है, क्रॉस इट्स डार्क चर्निंग वाटर्स, ट्रेवल पास द डेंजरस वानखो जिमोजी फॉरेस्ट ऑन एन वाइल्ड पोनी बिफोर रीचिंग मौनाश्रमपुर। मीन्स मौनाश्रमपुर वाले मार्ग में, जो पहले बताया गया कि यह इजी नहीं है वहाँ ट्रेवल करना, यात्रा करना, क्योंकि वहाँ एक कशमकश रिवर है जिसे पार करने में, जिसका जो वाटर है वो बहुत डेंजरस है, और ट्रेवल पास डेंजरस वन, और उसके बीच में जब हम लोग ये जो चैप्टर में जो फॉरेस्ट है, वो प्लेस जहाँ ये लोग जा रहे हैं मौनाश्रमपुर, उसके जाने से पहले एक फॉरेस्ट है वन खोजी मोजी फॉरेस्ट, वह भी बहुत डेंजरस है। मीन्स टोटली बहुत ज़्यादा डेंजरस ट्रेवल है जहाँ पर लोग जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। वॉट वरीज पाती इज दैट थ्री पीपल इंसिस्ट इन ज्वाइनिंग हर ऑन द ट्रिप, और इस ट्रिप में, इस यात्रा में पाती के साथ तीन और लोग शामिल हैं। कौन कौन हैं, पातीज 12 ईयर ओल्ड ग्रैंड डॉटर लैला, पाती की 12 साल की पौत्री है, वो क्या, उसका नाम है लैला, हर 10 ईयर ओल्ड ग्रैंडसन एंड लैलाज ब्रदर, हर 10 ईयर ओल्ड ग्रैंडसन, उनका 10 साल का ग्रैंडसन पौत्र है, एंड लैलाज ब्रदर, और लैला का भाई है विक्रम और विक्स, जिन्हें विक्स के नाम से भी जाना जाता है, एंड हर 18 ईयर ओल्ड
pink haired assistant Damodaran or Damu, और एक 18 वर्ष के लगभग 18 वर्ष के पिंक हेयर्ड असिस्टेंट, गुलाबी बाल वाले असिस्टेंट, मीन्स एक जो असिस्टेंट हैं उनका बाल थोड़ा गुलाबी है, उनका नाम है दामू। ये लोग, इतने लोग मिलके ट्रेवल कर रहे हैं, जा रहे हैं। मीन वाइल डॉक्टर नंदिनी कुमार हु वर्क्स एट द मोना बाबा हर्बल रिसर्च लेबोरेटरी, उसी दौरान जो डॉक्टर नंदिनी कुमार हैं हु वर्क्स एट द मोना बाबा हर्बल रिसर्च लेबोरेटरी, जो मोना बाबा हर्बल रिसर्च लेबोरेटरी में प्रयोगशाला में काम करते हैं, एम्प्लॉयज द थीफ खबरदार टू स्टील द फार्मूला बिफोर पाती कैन प्रेजेंट इट एट द कॉन्फ्रेंस। वो एक खबरदार नाम के चोर को जो है हायर करते हैं, अपने पास बुलाते हैं और उसे पाती के पास भेजते हैं, इसलिए कि वह उनका फार्मूला चुरा ले और कॉन्फ्रेंस में उसे प्रेजेंट ना कर पाए। खबरदार पासेज ऑफ एज अ फेरीमैन, फेरीमैन मीन्स होता है नाव चलाने वाला, एंड ट्राइज अ ड्रॉन पाती एंड द चिल्ड्रेन इन द मिडिल ऑफ द कसमकस रिवर। जो अभी पहले स्टोरी में पहले ही बताया गया कि जो कौन सा प्लेस है, मौनाश्रमपुर, वहाँ जाने के लिए कसमकस रिवर होके गुजरना पड़ेगा, तो कसमकस रिवर पार करने के लिए नाविक की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो इसीलिए खबरदार को नाविक बना के भेजती हैं। तो खबरदार पासेज ऑफ अ फेरी मैन एंड ट्राइज टू ड्रॉन पाती एंड द चिल्ड्रेन इन द मिडिल ऑफ द कसमकस रिवर। खबरदार जो है वो क्या सोच के निकला है वहाँ से, कि जो पाती हैं और इनके साथ जो बच्चे हैं, इन सभी को वो कसमकस रिवर के बीच में डुबा देगा। ही लीव्स देम टू फेट एंड रन अवे इन मोटर बोट विथ हिज फ्रेंड्स। वह वही करता भी है, मीन्स ही लीव्स देम टू फेट, उन्हें उनके भाग्य पर छोड़ देता है, कहाँ, नदी के बीच में, एंड रन्स अवे इन मोटर बोट विथ हिज फ्रेंड्स, और अपने मित्र के साथ मोटर बोट लेकर चला जाता है। दिस एग्जर्ब फोकसेज ऑन द वाइल्ड एडवेंचरस पाती लैला विक्स एंड दामू हैव इन द वॉन खोजी मोजी फॉरेस्ट। और इस स्टोरी का जो स्मॉल पार्ट है, इसमें आप लोग देखेंगे कि पाती, लैला, विक्स और दामू, इन लोगों ने किस तरह से वॉन खोजी मोजी जो फॉरेस्ट है उसमें साहसिक कार्य किए, किस तरह से वहाँ यात्रा की। नोट दैट द टाइटल सिंगिंग ग्रास एंड टार्जन वाइन्स, और ये जो टाइटल है सिंगिंग ग्रासेज एंड टार्जन वाइन्स, रिफर्स टू सिंगिंग ग्रासेज इन द फॉरेस्ट विच कैन मेक अ पर्सन डिजी विद देयर सॉन्ग। जो सिंगिंग ग्रासेस हैं, गाना गाने वाली जो घास है, ये क्या, कैसी है, थोड़ी सी जादुई है, मींस जंगलों में जो सिंगिंग ग्रास है ये किसी भी व्यक्ति को अपने गाने से बेहोश कर देती है, बेहोश बना देती है, उनको नींद आने लगती है जब वो घास जो है गाना गाती हैं। एंड द टार्जन वाइन्स विच कैन रैप देमसेल्फ, और टार्जन वाइन्स जो हैं वे पेड़ों की तने हैं पेड़ों के, जो क्या करते हैं, रैप देमसेल्फ राउंड वंस वेस्ट एंड स्विंग द पर्सन अराउंड, जो इतना बढ़ के किसी भी इंसान को उसके कमर से पूरा लपेट लेते हैं और उसे इधर उधर घुमाने लगते हैं। ठीक, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर की स्टोरी। द वॉन खोजी मोजी फॉरेस्ट वॉज फुल ऑफ द मोस्ट अमेजिंग साइट्स। वॉन खोजी मोजी जो फॉरेस्ट था वह बहुत हैरान कर देने वाले दृश्यों से भरा हुआ था, अमेजिंग साइट्स थी वहाँ की। वंस पाती एंड द चिल्ड्रेन हैड मास्टर्ड द आर्ट ऑफ स्टेइंग ऑन द वाइल्ड पोनीज, दे वेयर एबल टू एडमायर द कलरफुल मशरूम्स एज लार्ज एज गार्डन अम्ब्रेलाज, द फ्लावर विच लुक लाइक ट्रांसलूकेंट बैलून्स, एंड द बुशेज डबलिंग ओवर विथ द वेट ऑफ जूसी बेरीज इन शेड ऑफ पर्पल ब्लू एंड रेड। क्या था, वंस पाती एंड द चिल्ड्रेन हैड मास्टर्ड द आर्ट ऑफ सेइंग ऑन द वाइल्ड पोनीज, जैसे आप लोगों ने पहले सुना कि वो लोग तो पहले सोचे होंगे कि किस तरह से अब जाएंगे जंगल में, तो उन लोगों को वाइल्ड पोनीज जो हैं ये जंगली घोड़े के लिए कहा जा रहा है, तो उन लोगों को जंगली घोड़ा मिल गया है, इस तरह से अब वो लोग जा रहे हैं और वहाँ प्रशंसा कर रहे हैं देख के, क्योंकि वो अमेजिंग जंगल है, फॉरेस्ट है, और वहाँ कलरफुल चीज़ें, मशरूम हैं, किस तरह से हों, लार्ज एज गार्डन अम्ब्रेलाज, वो इस तरह से बड़े बड़े हैं जैसे कि अम्ब्रेला हो, छाता हो। द फ्लावर्स विच लुक लाइक ट्रांसलूसेंट, और जो फूल हैं वहाँ के वो लगभग एकदम पारदर्शी तो नहीं लेकिन इतने ज़्यादा साफ हैं कि उनसे प्रकाश बाहर हो जाए, और एंड द बुशेज और झाड़ियाँ हैं डबलिंग ओवर विद द वेट ऑफ जूसी बेरीज,
जिन पे जो बेरी है वो लगी हुई है और बहुत वो जूसी है, इतनी ज़्यादा जूसी है कि वो लटक रही है, एकदम झुक गई है, और बहुत सारे कलर में वो है, पर्पल है, ब्लू है एंड और रेड भी है। स्टेइंग ऑन द पोनीज विद देयर इंटायर लगेज स्ट्रैप ऑन टू देयर बैक्स, पोनी के साथ साथ मीन्स जो घोड़े के साथ वो लोग जा रहे हैं जंगली घोड़ों के ऊपर बैठ के, विद देयर इंटायर लगेज स्ट्रैप ऑन टू देयर बैक, उन लोगों ने अपना जो लगेज है अपने पीठ पर ले रखा है क्योंकि जंगली घोड़ों पे रखने वगैरह की कोई जगह नहीं बनी है। वॉज नॉट एन ईजी जॉब, जो कि बहुत आसान कार्य नहीं है। विदाउट रेंस एंड सैडल्स पाती एंड द चिल्ड्रेन सीम्ड इन डेंजर ऑफ स्लाइडिंग ऑफ विथ ईवर बम्पी स्टेप। विदाउट रेंस एंड सैंडल्स मतलब वो जो घोड़े को पहनाया जाता है जिसको हम लोग पकड़ते हैं और जिस पे पैर रख के हम लोग चढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें उस जंगली घोड़े के पास नहीं है। मीन्स जंगली घोड़े जो हैं वो मिले हैं, उनके सिर्फ ऊपर जो बाल हैं वही अकेले हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। तो यह बहुत डेंजरस है कि किस तरह से वो लोग उस पे बैठे हैं और किस तरह से अपने लगेज को लेके वहाँ से जा रहे हैं, और ये जो उस पे बैठे हैं सब लोग, जितने लोग हैं चारों पाँचों लोग, वो उस पे बैठ के उसके हेयर को पकड़े हुए हैं। ठीक, अभी आप लोग नेक्स्ट पेज पर देखेंगे, ये देखिए किस तरह से जो हॉर्सेज हैं उन पे उनके ऊपर बड़े बड़े बाल हैं। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ इन्हीं के सहारे वो लोग बैठे हुए हैं और इन्हीं को पकड़े हुए हैं, बाकी इन लोगों का कोई चांस नहीं है कि अगर घोड़ा बहुत तेज़ी से दौड़े या फिर जंप करे तो ये लोग रुके रहें उस पे। तो ये बताती है वो जो पाती हैं, जो ग्रैंड मदर हैं, वो इन लोगों को बताती हैं कि इसको पकड़ के रखो और उस पे वो जो अपना ऑयल है जिसकी रिसर्च कर ली है उन्होंने, उसको जो है उनके घोड़ों के बाल पे उन्होंने लगा दिया है, अभी आप लोग आगे देखेंगे, जिससे वो पकड़ने में आसानी हो रही है उन लोगों को, नहीं तो जो अगर सूखा बाल होगा घोड़े का तो वो बार बार टूट जाएगा। अब क्या है, अब कह रहे हैं यू आर अ जीनियस पाती, योर आइडिया ऑफ मेकिंग अ कॉन्सेंट्रेटेड वर्जन ऑफ वंडर गो सुपरसोनिक हेयर टॉनिक टू अप्लाई टू द पोनीज मेन्स वेयर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। दामू विस्ट ही हैड थॉट ऑफ द आइडिया हिमसेल्फ, दामू जो हैं वो बता रहे हैं, वो कह रहे हैं और वो अपनी इच्छा मतलब बता रहे हैं कि अपने से बोल रहे हैं कि पाती तुम बहुत जीनियस हो, बहुत बुद्धिमान हो कि तुमने हम लोगों को ऐसा आइडिया दिया कि उसके बाल को पकड़ लें और जो अपना नया वर्जन ऑफ वंडर ग्रो सुपरसोनिक हेयर टॉनिक जो तेल बनाया है, ऑयल जो बनाया है, उसको उसके बाल पर लगा दिया है तो हम लोगों ने उसको आसानी से पकड़ रखा है, इसलिए तुम बहुत जीनियस हो। नाउ दैट द मैंस वेयर वेल ऑयल्ड दे वॉन्ट ब्रेक एंड द स्लाइटेस्ट टग दैट वुड बी डिजास्ट्रस वुड इट नॉट, और अब इसीलिए दैट द मैंस आर वेल ऑयल्ड मीन्स जो उसके बाल हैं घोड़े के ऊपर वो अब टूट नहीं रहे हैं, वो अच्छे से हम लोग पकड़ पा रहे हैं, दे वॉन्ट ब्रेक एट द स्लाइटेस्ट टग, और वो जल्दी से अब टूटेंगे नहीं क्योंकि उस पर ऑयल लग चुका है, दैट वुड बी डिजास्ट्रस वुडंट इट, अन्यथा अगर वो ना लगा होता तो यह बहुत डिजास्ट्रस मतलब विनाशकारी हो सकता था, नष्ट कर देने वाला हो सकता था, मीन्स वो लोग पकड़ ही ना पाते तो गिर ही जाते सब लोग। यस इफ यू लूजन योर ग्रिप ऑन दियर मैंस जस्ट बिकॉज चंक्स ऑफ इट ब्रेक off in your hands, you could end up flat on your nose in a bed of position EV or get throw up on the tree right next to hive of behemoth bees and could sting you to death. अब वो बोल रहे हैं जो पाती हैं, वो कह रही हैं हाँ, if you loosen your grip, मतलब जो तुम लोगों ने पकड़ रखा है उसके बाल को, अगर तुम लोगों ने उसको ढीला किया या फिर वो घबराए, तुम लोग गिर गया तो क्या होगा, घोड़ा भी घबरा जाएगा, और अगर तुम लोग थोड़ा सा भी अपना हाथ तुम लोगों का फिसला तो तुम लोग गिर जाओगे, और जब घोड़ा घबरा जाएगा तो पैर वगैरह भी उछाल सकता है, वो तुम लोगों को ऊपर की तरफ भी फेंक सकता है और नीचे की तरफ भी फेंक सकता है, और ऊपर की तरफ फेंकेगा तो बीहीमोथ बीज, बीज मतलब होता है मधुमक्खी, मधुमक्खी जो है अपने डंक से तुम लोगों को अगर पेड़ों पर गए तुम लोग तो उस पर जो मधुमक्खी के छत्ते लगे हुए हैं वो तुमको क्या करेंगे, अपने डंक से घायल कर देंगे दैट, और क्या होगा अगर तुम लोग नीचे गिरे तो तुम लोगों की नाक जो है, नोज जो है वो फ्लैट हो जाएगी एकदम। दिस फॉरेस्ट इज़ अ डेंजरस प्लेस, पाती वॉर्न देम, यह सब कहते हुए पाती जो है उन लोगों को चेतावनी देती है
और कहती है कि यह जंगल जो है बहुत खतरनाक जगह है। आई मेड अ कॉन्सनट्रेटेड वर्जन ऑफ वंडर गो सो दैट आई कुड कैरी इट इन ऑन वन टाइनी बॉटल स्मॉल इनफ टू बी टग्ड इन टू द पर्स एट माई वेस्ट। ये जो कॉन्सनट्रेटेड वर्जन ऑफ वंडर गो जो ऑयल है इसे मैंने एक बॉटल में ले रखा है, और इसीलिए ले रखा है कि यह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसे देखिए, जैसे हम बता रही है, पाती जो हैं वो बता रही हैं, जैसे देखो अभी हम लोगों ने उस घोड़े के ऊपर लगाया है, और इसे एक छोटी सी बॉटल मैंने इसकी अपने कमर में लगा रखी है, ले रखी है। इट इज़ एक्सट्रीमली कॉन्सनट्रेटेड, यह दैट्स वाई इट लुक्स लाइक डार्क चॉकलेट। यह कॉन्सनट्रेटेड मीन्स होता है थिक, ठीक, थोड़ा मोटा सा, लगभग जैसे चॉकलेट आप लोग देखते हैं, वो जो ऑयल है वो एकदम लिक्विड सा नहीं है, वो मोटा है, थोड़ा चॉकलेट की तरह दिख रहा है। उसे जब हम लोग हाथ से ऐसे मिंगल करेंगे, उसको मिलाएंगे, तब वो थोड़ा सा लिक्विड टाइप में होगा, नहीं तो वो थिक लेयर टाइप का है। इट इज़ एक्सट्रीमली कॉन्सनट्रेटेड मीन्स वो मोटा है, दैट्स वाई इट लुक्स लाइक डार्क चॉकलेट। और इसीलिए ये किस तरह दिखता है, एक डार्क चॉकलेट की तरह, गाढ़ा चॉकलेट की तरह हम लोगों को दिखाई दे रहा है। आई हैड टू यूज़ जस्ट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑन ईच पोनी, और मैंने केवल कुछ कुछ बूंदें ही जो घोड़े के ऊपर जो बाल हैं उस पर मैंने लगाई है। लुक द बॉटल इज़ स्टिल ऑलमोस्ट फुल, लेकिन फिर भी देखो बॉटल जो है हम लोग मेरी वो लगभग अभी फुल ही है, भरी ही हुई है, मीन्स बहुत थोड़ा सा उसमें से निकाला गया है, क्योंकि वह बहुत थिक ऑयल है और थोड़े में ही वो लिक्विड बन गया है। इफ़ यू आस्क मी दिस कंसनट्रेटेड वर्जन मेक्स हेयर ग्रो एट अ रियल सुपरसोनिक स्पीड, विक्स इंसिस्टेड। विंक्स जो है वो पूछता है कि क्या ये जो सुपरसोनिक ऑयल बना है इसमें यह भी है कि ये बहुत जल्दी बालों को बढ़ा भी देता है। तो आई थिंक माई पोनीज मैन इज़ लॉन्गर ऑलरेडी, मैं वो कह रहा है कि मैं सोचता हूँ, मुझे लग रहा है कि जो ये घोड़ा है मैं जिस पे बैठा हूँ, इसके बाल जब से ऑयल लगे हैं उसके बाद से कुछ बढ़ गए हैं, क्योंकि When we started off, I could barely cling on the now, on and now look around. मैंने जब पहले जब वह बोल रहा है when we started off, जब वह शुरू में बैठा था तो उसके बाल जो है बहुत आसानी से उसमें उसके हाथ में पकड़ में नहीं आ रहे थे, और अब वो बहुत आसानी से पकड़ में आ जा रहे हैं। तो वो इसीलिए उनसे किससे पाती से पूछ रहा है कि क्या ये ऐसा ऑयल है कि यह बालों को बहुत जल्दी बढ़ा भी देता है। He broke off. As his pony suddenly bucked, pawed the air with its front legs. अचानक से क्या होता है, वह चुप हो जाता है। And pony suddenly bucked, pawed the air with its front leg. और जो अपना आगे वाला पैर है उसको हवा में उछालता है, झटकता है। Kicked up its hind leg like a donkey, गधे की तरह वह अपना पिछला पैर भी उसको उछालता है, झटकता है। And settled down with a thump that made Wicks टीथ रैटल, और मतलब उससे क्या होता है, जो वो विक्स जो है विक्रम, मतलब वो जो बैठा है उसके ऊपर, वो घबरा जाता है, हिलडुलने लगता है, क्योंकि उसमें पकड़ने की जगह है नहीं, वो घबरा जाता है जब वो पिछले पैर को और आगे वाले पैर को हवा में उड़ाता है और झटकता है घोड़ा जो है, तब विक्स जो है वो घबरा जाता है। हैंग ऑन नाइट विक्स, डोंट वरी चिल्ड्रेन, इट्स नॉट मच लॉन्गर टू मोनाश्रमपुर। पाती लुक्ड अराउंड हर, पाती जो हैं वो चारों तरफ देखती हैं और बोल रही हैं कि विक्स परेशान ना हो बच्चे, इट्स नॉट मच लॉन्गर टू मोनाश्रमपुर, यह बहुत ज़्यादा दूर नहीं, मोनाश्रमपुर अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। दिस इज़ बिट ऑफ द फॉरेस्ट वॉज फैमिलियर टू हर, और वह इसलिए बोल रही हैं क्योंकि वह इस जंगल से परिचित हैं, उसके बारे में वो जानती हैं। आफ्टर वी गेट थ्रू दिस क्लंप ऑफ ट्रीज वी कम टू द मोस्ट डेंजरस बिट ऑफ आवर जर्नी। After we get through this clump of trees, we come to the most dangerous bit of our journey. और भी अधिक खतरनाक चीज़ें हम लोगों को अपनी यात्रा में भी देखने को मिलेंगी। We have the singing grass to the right to us. हमारे दाहिने तरफ जो है एक घास जो दिखाई दे रही है, सिंगिंग ग्रास है, मतलब ये गाना गाने वाली घासें हैं। And the porcupine cacti to the left of us. Cacti means ये porcupine cacti means होता है cactus. ठीक, कांटीली जो झाड़ियाँ टाइप की होती हैं, ये जो बाई साइड दिख रही हैं ये सारी चीज़ें क्या हैं, बहुत डेंजरस हैं। द सिंगिंग ग्रासेज आर लेस डेंजरस बिकॉज यू कैन ड्रॉन द ईयर हमिंग बाय आइदर स्पीकिंग और सिंगिंग लाउडली। बता रही हैं कि सिंगिंग ग्रासेज जो हैं, अगर इनके जो आवाज़ है आप लोग सुनोगे
और ये इतनी ख़तरनाक हैं कि उसको सुनते सुनते यू कैन ड्रॉन दियर हमिंग बाय अदर स्पीकिंग और सिंगिंग लाउडली। उनको अगर सुनते रहोगे तो नींद आने लगी, और अगर उसको सुन अगर ध्यान से उसको सुने, मतलब उसको ध्यान से नहीं सुनना है, उसके साथ साथ हम लोगों को जब चलना है और उनकी घास को ना सुनना है, घास की आवाज़ को, और उसके साथ साथ हम लोगों को बोलते रहना है या गाना गाते रहना है। आई हैव ऑलवेज फाउंड इट बेस्ट टू रिसाइट समथिंग दैट विल कीप यू अलर्ट लाइक द मल्टीप्लिकेशन टेबल। वह बता रहे हैं कि मैंने यहाँ अधिकतर मैंने यह किया है कि मैं टेबल पढ़ती रही हूँ, मल्टीप्लिकेशन टेबल पढ़ती रही हूँ जब इस साइड से गुजरती हूँ, क्योंकि अगर उसकी घास की जो सिंगिंग है उसको सुनोगे तो क्या होगी, नींद आने लगेगी, बेहोश होने लगोगे। दैट वे वी वॉन्ट सा वी वेट अ मिनट, पाती स्टॉप्ड टॉकिंग एंड लिसन्ड। अब क्या होता है, अचानक से कुछ मिनट के बाद पाती स्टॉप टॉकिंग एंड लिसन्ड, पाती जो है बात करना बंद कर देती है, एंड लिसन्ड और ध्यान से सुनने लगती है। दे कुड हियर अ लो ग्रोइंग ग्रोलिंग साउंड, ग्रोलिंग मीन्स होता है मेकिंग अ लो हर साउंड, मतलब बहुत धीरे धीरे कठोर आवाज़ सुनाई पड़ना, कर्कश आवाज़ सुनाई पड़ना, तो उन्हें एक स्लोली स्लोली आवाज़ सुनाई पड़ी धीरे से। आई एम क्वाइट श्योर देयर आर नो वाइल्ड एनिमल्स हियर, जो पाती हूँ बोल रही, मैं एकदम निश्चित हूँ, श्योर हूँ कि यहाँ पर कोई जंगली जानवर तो नहीं है। वॉट कुड दैट साउंड बी, लेकिन फिर यह आवाज़ कैसी है। ओ माई गॉस पाती लुक, इट्स दोज टू जेली बेलीज, दोज टू टेबल टमीज, दोज विग्ड मैन हु ट्राइड टू सिंक अस। बोल रहे हैं पाती, कह रही हैं देखो जेली बेलीज और टेबल टमीज और विग्ड मैन, ये उन्हीं लोगों को कहा जा रहा है जो भेजे गए थे उनके द्वारा, जो डॉक्टर थे, क्या नाम था उनका, डॉक्टर उनके फ्रेंड, क्या नाम था इनका, डॉक्टर कहाँ गए, इनके साथ जो लेबोरेटरी में वर्क करती थी, आप लोग देखिएगा इस चैप्टर में, उनका नाम अभी दिख नहीं रहा है। तो उन्होंने भेजा था कि इनकी रिसर्च जो है प्रयोगशाला में, वहाँ ले ना जा पाएँ और उसको वापस ला लें, इनको मिल जाए जिससे ये अपना नाम कर ले वहाँ पर। तो क्या होता है, हाँ तो वो दोनों हैं, उनको ये लोग बोल रहे हैं, पाती जो हैं वो उनको उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो उसको कह रहे हैं टेबल टमीज मींस बड़े पेट वाला जो है, दोज विग्ड मैन, ये जो दुष्ट लड़के हैं, दुष्ट लोग हैं, हु ट्राइड टू सिंक अस, जो हम लोगों को डुबा देना चाहते थे नदी में। दैट बोट मैन कॉल्ड खबरदार, उसका नाम था खबरदार, दैट बोट मैन वही नाविक है जिसका जिसे खबरदार कहते हैं। एंड द मैन इन द मोटर बोट लैला सेड, लैला कहती हाँ ये वही मोटर बोट वाला आदमी है। पाती एंड द चिल्ड्रेन वेयर पीरिंग थ्रू द स्नैक सेव्ड क्रीपर्स एंड ड्रॉप डाउन फ्रॉम द ट्रीज लाइक अ कर्टन अक्रॉस दियर पाथ। और पाती और जो बच्चे हैं सबको लोग समझ रहे हैं, बता रहे हैं कि आप लोग इस पेज में भी देख रहे होंगे जो यहाँ की डालें हैं इसमें पेड़ की, वो जैसे स्नैक टाइप की हैं आगे की ओर, इसकी परछाई ज़मीन पर भी दिखाई दे रही है, और ये बहुत सारी लटक भी रही हैं और ऐसे दिखाई पड़ रही हैं जैसे सांप हों, सांप के सेव्ड की हैं, आकार की हैं। यस इट वॉज खबरदार एंड द मैन इन द मोटर बोट, हाँ ये खबरदार है और ये मोटर बोट वाला ही आदमी है। दे ले ऑन द लॉन्ग ग्रास फास्ट अस्लीप, क्या हुआ उसके साथ, क्या हुआ, दे ले ऑन द लॉन्ग ग्रास फास्ट अस्लीप, वह उसी लंबी घास पर जो है पड़ा हुआ है, सोया हुआ है। दियर माउथ्स वाइड ओपन एज दे स्नोर्ड, और उसके मुँह जो हैं खुले हुए हैं, एंड एज दे स्नोर्ड मतलब होता है स्नोर मतलब खर्राटा लेना, और वह खर्राटा ले रहा है, मींस अब समझ में आ गया कि आवाज़ किस चीज़ की सुनाई पड़ रही है, वो आवाज़ स्नोरिंग की ही थी, खर्राटा लेने की ही आवाज़ थी। हाउ हैड दीज विग्ड विलन्स गॉट हियर, पाती वॉन्डर्ड, पाती जो हैं वो आश्चर्यचकित हो जा रही हैं, हो गई, अब सोच रही हैं कि ये दुष्ट जो हैं, दुष्ट विलन जो हैं यहाँ कैसे पहुँचाए। फीलिंग हर आईलिड्स ड्रॉपिंग, और अपनी जो आईलिड्स हैं उनकी पलकें हैं उसको ऊपर नीचे करते हुए, मीन्स जैसे हम लोग कभी कभी अचानक से सोचने लगते हैं या फिर आश्चर्य करने लगते हैं। अ सी यॉन्ड, यॉन मतलब होता है जम्हाई लेना, वह अब जम्हाई लेने लगती हैं। बिगनिंग टू फील रेदर ड्राउजी, और ड्राउजी मीन्स होता है स्लीपी मतलब सोने जैसा, नींद आने जैसा, अब उन्हें भी जैसे नींद आने लगी है। अब ये आज मैं यहीं तक पढ़ाऊँगा इस लेक्चर में, इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा, और अभी तक जितना मैंने पढ़ाया, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, आप लोगों को अगर कोई भी समस्या होगी इसमें तो आप लोग पूछेगा। दिस इज़ आवर स्कूल व्हाट्सएप नंबर 8576879375। थैंक यू, दैट्स इट।